गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं हूँ गोवा के अपने फेवरेट बीच अरम्बोल बीच के बिल्कुल पास, और मैं यहाँ पे एक स्टे में ठहरा हूँ। मतलब कि ये छोटा सा रिसॉर्ट है, तो ये रिसॉर्ट मुझे इतना पसंद आया कि मैं यहाँ पे दोबारा आने के लिए मजबूर हो गया हूँ। इनकी जो ऑनर हैं पूजा जी मेरे साथ हैं, तो इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। हे गाइस, वेलकम बैक। और जैसा कि सचिदा जी ने बताया कि वो पिछले साल आए थे दिसंबर में यहाँ पे, और अभी वो वापस से आए एक साल बाद। तो पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप वापस आए इस जगह में, आपको इतनी पसंद आई कि आप ये वापस आए हैं। एंड यस, हमने काफ़ी भी चेंजेस किए हैं इधर। रूम्स तो एज़ यूजुअल आपके आपके पास है, आपका प्राइवेट बीच, जो कि काफ़ी लोगों ने बोला था कि गोवा में एक प्राइवेट बीच नहीं होता। सो लेट मी जस्ट करेक्ट यू, या ये प्राइवेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एंट्री हमारे कैफ़े से ही हो सकती है, क्योंकि ये छोटा सा एक जो पोर्शन है ये पूरा उधर से भी कवर्ड है। सो यस, इसको हम छोटा सा प्राइवेट बीच इसके लिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरे पत्थर पत्थर हैं, और आने का रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये हमारी प्रॉपर्टी से ही है। तो देखिए, बीच की एंट्री यहाँ से, रूम से निकले जस्ट और नीचे ही बीच है। तो चलिए अब चलते हैं बीच पे। तो ये रहा हम लोग का शानदार बीच। और सबसे खास बात इस जगह कि यहाँ पे आप हैं सिर्फ, और आप ही हैं क्योंकि दूर दूर तक अभी कोई नहीं है। और एटीएस रिसॉर्ट की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे एक प्राइवेट बीच है, वही इस रिसॉर्ट में मुझे दोबारा खींच लाता है। आप जैसे गोवा में आते हैं तो आप हमेशा देखते हैं कि बीचेस भरे हुए हैं, बहुत क्राउडेड है। यहाँ की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि यहाँ बहुत शांति है। अगर आप नेचर इन्जॉय करने के लिए आ रहे हैं, पीसफुल, और आपको सिर्फ चिल करना है, तो आप ये ऑप्ट कर सकते हैं स्टे। हाँ, ये बताइए कि यहाँ पे अरम्बोल में क्या क्या है देखने के लिए, क्या कारण है कि अरम्बोल में इतने ज़्यादा टूरिस्ट इसको प्रेफर करते हैं? अरम्बोल एक तो सबसे एक्सट्रीम नॉर्थ पे हो जाता है। नॉर्थ अगर आप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ बागा और कैलंगुट से सबसे जो हमारे फेमस बीचेस, फेमस प्लेसेस माने जाते हैं गोवा की, यहाँ से एक घंटा दूरी पे है अरम्बोल बीच। और यहाँ की सबसे खास बात जो लोग आते हैं जिसके लिए, वो है स्वीट वाटर लेक। यहाँ पर बहुत फेमस है, जो कि हमारी प्रॉपर्टी से जस्ट 5 मिनट डिस्टेंस पे ही है। अगर आप स्वीट वाटर लेक के लिए आ रहे हैं तो आपको हमारी प्रॉपर्टी बीच में मिलेगी। तो आप अगर बुकिंग भी नहीं कर रहे हैं, आप कैफ़े इन्जॉय कर सकते हैं, जो कि हम अभी थोड़े टाइम बाद दिखाने वाले हैं, जो अभी हमने रेनोवेट किया इस ईयर, तो पिछले साल से काफ़ी अलग है। दूसरा, यहाँ पे होती है पैराग्लाइडिंग। गोवा की ओनली पैराग्लाइडिंग प्लेस है यहाँ पे अरम्बोल में, तो उसके लिए भी आते हैं। काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे। एंड सेकेंड, यहाँ पे अरम्बोल को सबसे ज़्यादा योगा हब बोला जाता है, कि आपको यहाँ पे हर, अगर आप पीसफुल और आप कोई योगा रिट्रीट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको अरम्बोल में भर भर के योगा रिट्रीट्स मिलेंगे, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट इस बीच पे भी हम एवरी मॉर्निंग योगा करवाते हैं, और ये वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ चार्जेस। अगर आप आसपास भी रुके हुए हैं, आपको आना है बीच पे योगा करने के लिए, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। और तो फिर आप आएंगे तभी आप बता सकते हैं गाइस कि आपको अरम्बोल क्यों पसंद आया। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि प्रॉपर्टी कैसी है, रूम्स कैसे हैं इसके। कि यहाँ का हॉस्टल रूम है, देखिए कितना नीट एंड क्लीन है, और ठीक बीच के बिल्कुल पास ही है, बीच के ठीक सामने ही है। तो पूजा जी दिखाइए कैसा है हॉस्टल का। सो हमारे पास यहाँ पे 3 हॉस्टल डॉर्म रूम्स हैं। सो ये है ब्लिस ऑन द बे, और हमने यहाँ पे सारे रूम्स के नेम्स ही ओशन से रिलेटेड रखे हैं। आप देख सकते हैं ये 8-bedded डॉर्म्स है। और सबसे खास बात है इसकी कि रूम से बाहर निकलते ही आपको ये वाला व्यू मिलता है, और नीचे जो है सनबर्स वगैरह भी लगे हुए हैं। अगर आपका कोई भी स्पेशल ओकेजन है, लाइक आपका बर्थडे, एनिवर्सरी, तो आप वो हमें पहले इन्फॉर्म करके सेलिब्रेट कर सकते हैं। बिकॉज हम, हमारा ये आप देख सकते हैं, एक छोटा सा प्राइवेट इतना सा एरिया है, यहाँ पे हम डेकोर करते हैं टेबल्स एंड सेटअप, और इसके जो भी चार्जेस रहते हैं वो आप ऑन पूछ सकते हैं, इसमें नंबर दिए गए नंबर पे। और एडवांस बुकिंग आपको करनी पड़ती है, क्योंकि हम एक दिन में एक ही सेटअप लेते हैं। तो आपका कोई भी ओकेजन है, आप वो यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं हमें इन्फॉर्म करके। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ पे 8-bedded डॉर्मेट्रीज हैं, एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस बेड से ऑब्वियसली प्राइम बेड है हमारा, सो यहाँ से आप सी इन्जॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत रेयर है हॉस्टल्स में मिलना, कि आप अपने बेड से ही सी इन्जॉय कर सकते हैं। एसी वगैरह सारा यहाँ पे अवेलेबल है।
सो अगर आप यहाँ पे स्टे भी नहीं कर रहे हमारे पास तो भी आप आके कैफ़े इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एवरी इवनिंग सन डाउनर होता है सनसेट के अराउंड एंड या पहले डिफरेंट था, काफ़ी लोग आके हमें बोलते कि हमें तो पहले वाला कैफ़े चाहिए, पहले वाला कैफ़े बहुत अच्छा था आपका, बट आई फाइंड दिस मोर ब्यूटीफुल। आपको सचिता जी कौन सा अच्छा लगा, ये वाला है पहले वाला कैफ़े? नहीं, ये भी ज़्यादा अच्छा लगा, ये ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ। या सो आप लोग आ सकते हैं, हाँ जी, सो आप लोग आ सकते हैं, चिल कर सकते हैं यहाँ पे इवनिंग में वेन एवर यू आर इन अरम्बोल और आप गोवा में हैं, तो अगर आप रुक भी नहीं रहे तो भी आप आ सकते हैं। तो मैम सेफ्टी फीचर के लिए क्या दिया हुआ है? यस, सो डॉर्मेट्री के लिए हमने यहाँ पे एक डोर लॉक सिस्टम भी है। देखिए वो मेरा रूम है ऊपर में, सबसे ऊपर वहीं पर मैं रुका हुआ हूँ, और देखिए यहाँ से यहाँ ये कैफ़े है और सामने है बीच। सबसे पहले काउंटर पे आपको मिलेंगे अखंड, और किसी को कुछ एक्स्ट्रा खाना हो अपने मन का तो बनाते हैं। हाँ, तो ये जो है ओशियन हेवन है और ये एक सूट है, तो यहाँ पे अंदर जाते ही सबसे पहले एक रूम है कॉमन रूम, वहाँ पे अपना सारा सामान रख सकते हैं आप। यहाँ से रूम से निकलते ही कितना अच्छा यहाँ पे व्यू है। तो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हूँ, रूम से निकलते हैं सी का व्यू और नीचे प्राइवेट बीच भी। सो यहाँ पे जितने भी रूम्स हैं हमारे सारे ही सी व्यू हैं, और लाइक वी ओनली हैव 7 रूम्स इन दी प्रॉपर्टी, जिसमें से 3-4 प्राइवेट रूम्स हैं एंड 3 डॉर्मेट्री रूम्स हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि हर एक रूम में आपको इतनी बड़ी बालकनी मिलेगी और बालकनी से आपको यही सेम सी व्यू फेसिंग व्यू मिलने वाला है। तो भाई मैं तो यहाँ पे आ चुका हूँ, अगर आप लोग को यहाँ पे आना हो और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आप लोग को 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और यहाँ पे प्राइवेट डॉर्म्स जो है 700 से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि ऑफ सीजन में होता है, और सीजन टू सीजन ये वेरी होता रहता है, तो 700 में भी आप इतना ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, प्राइवेट बीच का भी मज़ा ले सकते हैं। हाँ। तो सचिता जी तो आ चुके हैं 2 बार, और आप लोग कब आने वाले हैं जल्दी प्लान करिए, क्योंकि गोवा का सीज़न हो चुका है स्टार्ट और वी कांट वेस्ट टू होस्ट यू गाइस। और अगर अरम्बोल बीच के इस स्टे का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो देखिए अभी मैं वॉक कर रहा हूँ अपने प्राइवेट बीच पे, और देखिए कुछ फॉरनर्स यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं बीच पे बैठ करके, और यहाँ पे तो ये सनबेड भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे आके सनबेड पे भी आप इंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं आराम से, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये तो मेरा रूम तो ऊपर ही रहा। अपने अरम्बोल के हॉस्टल से निकल गया हूँ, अब जा रहा हूँ जंगल ट्रैक करने।